वेलकम टू जीआईसी टेक्निकल। जीआईसी टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आइसिंजन का एक पार्ट जिसे बोलते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स अबाउट द केमिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इनटू थर्मल एनर्जी। कहने का मतलब है इंजन पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट अगर लेते हैं, सिलेंडर है ये पिस्टन है, अगर एयर फ्यूल मिक्सचर इन कर रहा है सिलेंडर के अंदर तो वो कौन सी एनर्जी ला रही है, वो केमिकल एनर्जी। किस फॉर्म में? सी एक्स एच वाई। किस फॉर्म में लाएगी? सी एक्स एच वाई फॉर्म में। इसे कहते हैं केमिकल एनर्जी। हाइड्रोकार्बन, सी एक्स एच वाई क्या है? हाइड्रोकार्बन। ये इन करेगी कहाँ पे? इनलेट वॉल से इनकी, एयर फ्यूल मिक्सचर इन किया, सक्शन हो चुका, तो मेरा टी डी सी ये है, बी डी सी। अगर सक्शन हो चुका है तो मैं पिस्टन कहाँ मूव कर गया है? बी डी सी पे। बी डी सी पे मूव किया है तो एयर फ्यूल मिक्सचर इन कर चुके हुए हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? कंप्रेशन। कंप्रेशन में एयर फ्यूल मिक्सचर इन है, अंदर आ गए हैं। क्लियर? अगर ये अंदर आ गए तो पिस्टन इसे कंप्रेस करेगा। अगर पिस्टन इसे कंप्रेस कर रहा है तो इसका टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। इसका टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। कंप्रेशन के बाद क्या होगा? प्रेशर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इज ऑल्सो इंक्रीजेस। तो देखिए, अगर ये कंप्रेस हो गया, मैं पिस्टन कहाँ पहुंच गया? यहाँ पे, ठीक है। जो एक अगर हम लोग फ्यूल को ले लें स्टडी करने के लिए, ये फ्यूल है, डॉटेड से क्या है? फ्यूल है, उसके सराउंडिंग एयर है। अगर फ्यूल को हम लोग एब्जॉर्ब करते, क्या क्या फ्यूल में पाया जाता है, उसके सराउंडिंग क्या चीज़ है? साइड में एयर है, क्लियर। और डॉटेड से क्या है? फ्यूल। आइए इसकी स्टडी करते हैं, एग्जैक्टली व्यू क्या है, फ्यूल क्या होता है, ठीक है। आइए स्टडी करते हैं। तो फ्यूल आया, फ्यूल किस फॉर्म में आया? सी एक्स एच वाई के फॉर्म में, जिसे क्या बोलते हैं? केमिकल एनर्जी। अगर इसे हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन। केमिस्ट्री में हम लोग क्या कहते हैं उसे? ऑक्सीडेशन। इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग हम लोग कौन सा टर्म यूज करेंगे? कंबसन, ठीक है। अगर इसका कंबसन कर दें, कंबसन करें, या केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोले तो ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म होगा? क्लियर? तो ये क्या रिएक्ट करेगा? अगर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलेगा, क्या रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? वाटर, H2O प्लस। अगर ये परफेक्ट कंबसन है तो कार्बन क्या करेगा? ऑक्सीजन किससे रिएक्ट करेगा? कार्बन से। अगर परफेक्ट कंबसन है तो क्या बनाएगा? CO2, क्लियर। और क्या कुछ एनर्जी रिलीज करेगा जिसे कहते हैं डेल्टा H प्लस डेल्टा C, ठीक है। ये डेल्टा H डेल्टा C क्या है? एनर्जी रिलीज, जिसे बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। अगर 1 kg मास आप फ्यूल को जलाएंगे, कितना एनर्जी उससे जनरेट हो रहा है, वही क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू, जो जनरेशन हो रहा है। जब हम लोग सी एक्स एच वाई से रिएक्ट कराए हैं तो ये मेरा प्रोडक्ट बना फॉर परफेक्ट कंबसन, ठीक है। यहां पे क्या था, हम एयर को लिए थे और फ्यूल को भी लिए थे, प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो उसके बाद कहां पहुंचा है ये? कंबसन के बाद अपने फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर पे पहुंचेगा। अपने कहां पहुंचेगा? फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर पे। ये प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो कहां पहुंचा ये? अपने टेम्परेचर कहां पहुंच जाएगा? फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर पे। आइए दिखाते हैं बोर्ड पे।
जैसे है पहले क्या है, एस अमाउंट हम मान रहे हैं कार्बन है, इसे कंबसन किए, अगर कंबसन या ऑक्सीडेशन किए तो सबसे पहले ये क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, एक्स अमाउंट कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद फिर से हम लोग कंबसन या ऑक्सीडेशन किए तो क्या बनेगा, एक्स सी ओ टू कार्बन डाइऑक्साइड। ये किसकी बात की है, कार्बन कैसे रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, फ्यूल के टर्म में हाइड्रोजन की बात करें, तो हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन बर्न फर्स्ट, हाइड्रोजन सबसे पहले जलेगा, हाइड्रोजन बर्न फर्स्ट। और हाइड्रोजन के क्या खासियत, हाइड्रोजन रैपिडली बर्न रैपिडली। और एनर्जी रिलीज इन हाइड्रोजन इज मच ग्रेटर देन एनर्जी रिलीज इन कार्बन। कहने का मतलब है कार्बन और फ्यूल की बात है, कार्बन हाइड्रोजन सबसे पहले कौन जलेगा, हाइड्रोजन। उसके बाद हाइड्रोजन की ये भी खासियत है कि बहुत तेजी से काम करेगा, बहुत तेजी से जलेगा, कंबसन करेगा, और जो एनर्जी रिलीज होगा हाइड्रोजन का वो बहुत ज्यादा रहेगा, किससे, कार्बन से। क्लियर। तो हम लोग कहाँ थे, अगर मेरा हम देखते हैं ऑक्सीजन है मेरे पास और क्या है, फ्यूल है, सी एक्स एच वाई के फॉर्म में, ऑक्सीजन सराउंडिंग में और इनमें क्या है, मिडिल में क्या है, फ्यूल है। इसे हम लोग कंबसन कराएंगे, अगर इसे कंबसन कराएंगे तो इसका टेम्परेचर कहाँ पहुँचेगा, फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर पे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पिस्टन है ये, जब मेरा एयर फ्यूल मिक्सचर अपने फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर पड़ गया, उसके बाद हम लोग स्पार्क प्लग का यूज करेंगे, स्पार्क से क्या करेंगे, इसे हीट देंगे, तो क्या होगा, एयर फ्यूल मिक्सचर का टेम्परेचर काफी ज्यादा हो जाएगा, वो इग्नाइट हो जाएंगे, वो बर्न हो जाएंगे। तो फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर के बाद अगर हम लोग स्पार्क करेंगे तो फ्लैशेस निकलेंगे, तो जिससे फ्यूल पार्टिकल जल जाएंगे, बर्न हो जाएंगे। तो अपने फ्यूल पार्टिकल किस टेम्परेचर पहुंच जाएंगे, अपने फायर टेम्परेचर पे। फ्यूल पार्टिकल कहाँ पहुंच गए हैं, फायर पॉइंट टेम्परेचर पे। अगर हम लोग इमेज देखना चाहें तो कैसा रहेगा, ये फ्यूल है, तो फ्यूल कैसे करेगा, ऐसे फ्लेम निकलेगा, ये क्या है, फ्लेम है। जब अपने फायर पॉइंट टेम्परेचर पे फ्यूल पहुंच गया तो फ्लेम जनरेट होगा, तब कंबसन स्टार्ट हो गया। क्लियर। और हम बात करें एयर की, एयर में क्या क्या पाया जाता है, जैसे थर्मोकेमिस्ट्री की बात करें तो हम लोग यहाँ पे क्या एज्यूम करते हैं, एयर में, हम लोग एज्यूम करते हैं क्या क्या है, एयर में है ऑक्सीजन और N2, एयर में क्या है ऑक्सीजन और N2। बाई मास की बात करें तो ऑक्सीजन के अमाउंट मानते हैं हम लोग कितना है, 0.77, और नाइट्रोजन का 0.23 और नाइट्रोजन का 0.77 बाई मास। तो एयर में क्या क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का अमाउंट 0.23% है, 0.77 किसका है, नाइट्रोजन का। एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है इन एयर हाउ मच परसेंटेज आर देयर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन बाई मास, तो 0.23% ऑक्सीजन एंड 0.77% नाइट्रोजन। अगर बाई मोलर बात करें, बाई वॉल्यूम अगर बात करें, तो ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है, 0.21 हो जाएगा,
और नाइट्रोजन का मोल बढ़ जाएगा 0.79। ये क्या है, बाई मोस या बाई वॉल्यूम? बाई मोल्स या बाई वॉल्यूम, ये अमाउंट है। अगर हम एक अगर इसे लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 0.2 बाई मोल्स से बाई वॉल्यूम के टर्म में, तो 0.21 O2 प्लस 0.79 N2। ये क्या है, एयर है। और भी गैसेस पाई जाती हैं आर्गन, हीलियम, नियॉन, में उसे आदमी निग्लेक्ट करते हैं, बहुत कम मात्रा में है, इसलिए उन्हें क्या कर देते हैं, कंसिडर नहीं करते हैं। तो एयर में क्या क्या पाया गया, O2 0.21%, 0.79% N2 बाई मोल्स या बाई वॉल्यूम कंसिडर करेंगे। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, कोर में अगर फ्यूल का स्ट्रक्चर लें एक पॉइंट को, अगर फ्यूल को हम लोग पकड़ के यहाँ पे स्टडी करें, तो फ्यूल के मिड पॉइंट पे कोर में क्या पाया जाता है, कार्बन। कार्बन क्यों पाया जाता है कोर में, इसका भी रीजन है, कार्बन इज हैवियर देन हाइड्रोजन अप्रॉक्स 12 times। कार्बन का एटॉमिक मास क्या है, नंबर 12, हाइड्रोजन 1, इसलिए 12 times हैवियर है कार्बन। इसलिए कार्बन कहाँ रहेगा, कोर में, और हाइड्रोजन सराउंडिंग में। सबसे पहले क्या जलेगा, तब हाइड्रोजन बर्न फर्स्ट, हाइड्रोजन बर्न रैपिडली, एनर्जी रिलीज बाय हाइड्रोजन इज मच मोर ग्रेटर देन एनर्जी रिलीज बाय कार्बन। ये सब टर्म है, ठीक है। इसके बाद हम लोग स्पार्क कर दिए से, स्पार्क करेंगे तो फ्लेम जनरेट होगा, फ्लेम ऐसे जनरेट होता है। क्लियर है, अगर परफेक्ट कंबसन की बात करें, हम एग्जांपल में लेते हैं कोई भी फ्यूल, मीथेन ले लेते हैं, मीथेन फ्यूल है मेरा, अगर मीथेन का हम कंबसन कराएं CH4 का, मीथेन का हम कंबसन करा रहे हैं CH4 का, किससे, एयर से। अगर क्वेश्चन में गिवन रह गया एयर, तो हम लोग 0.792 N2 लेंगे प्लस 0.21 O2 बाई मास। अगर क्वेश्चन में क्या गिवन रहेगा, मीथेन या कोई भी फ्यूल रिएक्ट कर रहा ऑक्सीजन से, तो हम लोग एयर की जगह क्या बस कंसिडर करेंगे, ऑक्सीजन। ये याद रहना चाहिए, ये नहीं ऑक्सीजन से रिएक्ट कराना है, हम लोग किससे कंबसन करा रहे हैं, एयर से टोटली। तो अगर हम लोग एयर से मान रहे हैं, तो एयर में क्या क्या पाया जाएगा, O2 प्लस 79/21 N2। क्लियर, तो मीथेन अगर कंबसन करेगा किससे, एयर से, तो क्या जनरेट होगा, H2O वाटर, क्या होगा, वाटर। तो क्या जनरेट होगा, H2O वाटर। अब वाटर को हम लोग बैलेंस कर देते हैं, सबसे पहले कैसे हम लोग केमिस्ट्री को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन कितना है, इस साइड है 4 है, इस साइड हाइड्रोजन कितना है 2 है, किससे इनटू करना है, 2 से। क्लियर, उसके बाद क्या होगा, अगर ये परफेक्ट कंबसन है, हम लोग माने हैं इसमें कोई भी गलतियां नहीं है, परफेक्ट हो रहा है, तो फिर क्या प्रोड्यूस होगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अब बैलेंस किसे करते हैं, कार्बन को, कार्बन एक, ऑक्सीजन दो, इधर दो, इधर 4, इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, 2 से इंटू करेंगे 2, ऑक्सीजन इंटू 2 4,
फोर ऑक्सीजन लेफ्ट साइड राइट साइड फोर ऑक्सीजन में हमें क्या बचा अब एन टू बचा, तो यहाँ पे क्या उतार लेंगे हम लोग 2 × 79 = 21 है, 79/21 एन टू। ये कैसा कंबसन है? परफेक्ट कंबसन, इसी को क्या कहते हैं स्टॉइकोमेट्रिक, इसी टर्म को क्या कहते हैं स्टॉइकोमेट्रिक, ठीक है। अगर हम क्या करें रिच मिक्सचर लीन मिक्सचर क्या है उसके बारे में आगे बात करते हैं। रिच मिक्सचर अगर कुछ ये है कि मेरा एयर का सप्लाई क्या हो रहा है 50% हम कम कर दे रहे हैं, 50 अगर परसेंट कम करेंगे तो एयर कितना भी दो है, 50% कम किए मतलब एयर का क्वांटिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे एक हो जाएगा। तब देखिए रिएक्शन CH4+O2+79/21N2, ये सारे चीज हम लोग बाय वॉल्यूम कर रहे हैं, तो क्या आउटपुट बनेगा मेरा H2O जैसे हमेशा बनता है, क्या बन रहा है H2O। फिर क्या बनेगा, ये कैसा मिक्सचर है, पहले दो था मोल एयर का, दो मोल था, अब क्या हुआ एयर का मोल एक हो गया, मतलब एयर की कमी हो गई है, मतलब ये कैसा मिक्सचर मतलब फ्यूल फ्यूल ज्यादा हो गया है, फ्यूल क्या हो गया है ज्यादा हो गया है। तो H2O है, उसके बाद हम लोग कहाँ पे थे ये देखेंगे, तो एयर का मात्रा हम लोग कम कर दिए और फ्यूल का मात्रा बढ़ा दिए, मतलब ये कैसा मिक्सचर है रिच मिक्सचर, इसी को क्या कहेंगे रिच मिक्सचर। जब हम लोग कब यूज करते हैं ये कैसा है रिच मिक्सचर, ये क्या है रिच मिक्सर। रिच मिक्सर मीन जैसे हम लोग गाड़ी स्टार्ट करते हैं उसमें हमें फ्यूल की सप्लाई ज़्यादा चाहती है और एयर का मात्रा कम चाहता है, उसे कहते हैं हम लोग रिच मिक्सर। रिच मिक्सर है ये, तो रिच मिक्सर है तो मतलब ऑक्सीजन की कमी रहेगी, तो क्या बनेगा